हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और ये टॉपिक बैचलर स्टूडेंट्स जैसे बीसीए एमसीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से समझें। और अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, अपने सिस्टम के स्क्रीन पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होता क्या है और उसके प्रिंसिपल्स और कुछ एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। देयर इज अ कंटेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। यहाँ कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कुछ कंटेंट्स हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एग्जाम्पल्स एंड कुछ MCQs। साइंटिफिक मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होता क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट डेट एनालाइज एंड सिंथेसिस वर्कफ्लो। इट मीन इसका मतलब है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब है कि आप वर्कर से क्या चाहते हैं और इसको काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और सबसे चीपेस्ट तरीका क्या है। चीपेस्ट मतलब कि सबसे सस्ता तरीका क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक एनालाइज पर बेस्ड है। और ये देखना कि कौन से टास्क को परफॉर्म करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कौन से टास्क को मतलब परफॉर्म करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर। तो ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट थंब रूल। इसका साइंस नॉट थंब रूल का मतलब है, रूल्स ऑफ थंब मीन द डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेजर। टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजर की कोई भी डिक्टेटरशिप मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि तानाशाही, कि हमें हर वर्कर को इक्वली वर्क हमें अलॉट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को का प्रेशर डाल देते हैं, ऐसा नहीं। हमें सभी काम एक इक्वालिटी में करना चाहिए, यूनिटी में करना चाहिए। इसका मतलब यह है। सेकंड, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स there should be a complete harmony between the management and the labor, complete mental revolution on the part of management and the worker। इसका मतलब है कि सब एक मैनेजमेंट मैनेजर और वर्कर के बीच में एक कंप्लीट हारमोनी, मतलब कि हारमोनी मतलब कि एक बोल एक यूनिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। ऐसा नहीं कि मैनेजर वर्कर को फोर्स करता है काम के लिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में कि इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, जिससे कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को एक कम टाइम में कंप्लीट कर पाए, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट हो, टाइम की भी कंज्यूमिंग हो। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है अगर किसी हम डिफिकल्ट टास्क को कम से कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये था हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब आते हैं कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल। कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब है, कॉरपोरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। इसका मतलब कॉरपोरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। कॉरपोरेशन मतलब, कॉरपोरेशन का मतलब है कि यूनिटी है, यूनिटी होती है, एकता होती है, कि कॉरपोरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, कि इक्वली हमको एक वर्क डिवाइड कर लेना चाहिए, इक्वली वर्क डिवाइड करना चाहिए इक्वली, कि ऐसे कि भाई जैसे कि कोई मैनेजमेंट अगर वर्कर को ज़्यादा काम दे देता है और अपने आप कम काम को मतलब कम काम करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉरपोरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में काम को लेकर, और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, इक्वल हमें हर वर्क को इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन किसी पर ज़्यादा प्रेशर डाल देता है काम का, ऐसा नहीं। सभी को इक्वली वर्क को डिवाइड करके कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि हम एक डिफिकल्ट टास्क को भी हम कम से कम टाइम में कंप्लीट कर पाए। ये होता है हमारा कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इट्स मीन इसका मतलब होता है, वी शुड प्रोवाइड द जॉब ऑफ एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। हमें हर पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि कोई हमारे पास जॉब इंटरव्यू के लिए आया और हमें हम उसकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते, ऐसा नहीं। हमें उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक करनी चाहिए, उसकी नॉलेज एबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सभी एबिलिटीज़ को एनालाइज करके तभी हमें एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो देर इज एन एग्जांपल, देर इज एन अ फ्लो चार्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्लो चार्ट। दिस इज द फर्स्ट, दिस लीड्स ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इट्स मीन्स प्रोस्पेरिटी मीन्स यही होना चाहिए कि हमें क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली ही जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक पर्सन को, उसकी एबिलिटीज़ को एनालाइज करके, स्किल्स को एनालाइज करके। जैसे किसी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं हम, किसी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आता है वो पहले उसका रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट तो ये हो गया कि जैसे कि इंटरव्यू हम दे रहे हैं पर्सनली, वो तो हो गया रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटीज़, उसकी नॉलेज, उसकी उनको उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उन चीज़ों को एनालाइज करके हम उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब ये होता है। रिक्रूटमेंट वही सेम हो गया। रिक्रूटमेंट मीन्स जैसे कि कोई जॉब के लिए आ रहा है, हम इंटरव्यू के लिए हमें के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो उसको हम रिक्रूट करते हैं उसको जॉब प्रोवाइड करने के लिए। उसकी नॉलेज एबिलिटी या फिर उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करके उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्रेन दैम, उसको ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ द पर्सन ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी भी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उसको किसी एम्प्लॉय को एनालाइज करके, हम उसको ट्रेन करके हम चेक करते हैं कि उसकी एबिलिटीज, उसकी परफॉर्मेंस को और उसकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं। गेट वर्क डन एंड अप्रिशिएट दैम, काम को कंप्लीट करते हैं। हर एक जो भी कोई पर्सन होता है वर्क को कंप्लीट करता है और उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं चीज़ों के लिए, जिससे कि वो अगले टास्क को भी एक अच्छा, अगले टास्क को भी वो बेटर कंप्लीट कर पाए, अच्छा टास्क परफॉर्म कर पाए नेक्स्ट टाइम भी। तो ये होते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो अच्छे टॉपिक पर ला पाएँ। थैंक यू।